नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस इज अ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा डायग्राम भी बना हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो इसी चैप्टर से यानी कि प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, काफी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, काफी सारे टॉपिक्स इसी चैप्टर से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। दिस इज द टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियल मैनोमीटर। यानी कि काफी कमेंट्स आ रहे थे सर इस टॉपिक पे जरूर लीजिएगा, ये काफी पुराना मतलब कमेंट कर रहे थे तो ये मैं वीडियो लेके नहीं आया, मैंने सोचा इस पे जरूर काम करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हमें उस क्वेश्चन को अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझना बहुत जरूरी है। साथ में लिखेंगे गिवन डेटा, और अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको एक या दो मार्क्स तो मिलते हैं अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बट हमारा मेन मोटो है कि हमें अटेम्प्ट करना है और बहुत सिंपली उसे चीज को समझना है। तो चलिए मैं यहाँ पे गिवन डेटा भी लिखता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अवर गिवन डेटा, जो भी चीजें दी, वैसे डायग्राम में मैक्सिमम चीजें दी ही हुई है और क्वेश्चन भी काफी छोटा सा लग रहा है पढ़ने पर, ठीक है। और डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, सबसे पहले मैनोमीटर क्या होता है? ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिसे प्रेशर मेजर किया जाता है। प्रेशर की यूनिट किलो पास्कल, एटमॉस्फेयर, टॉर भी कभी कभी बोलते हैं लोग, देन पास्कल भी बोलते हैं, एमएमएचजी में भी प्रेशर मेजर किया जाता है। तो काफी अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। ओके, जैसे यहां पे यूनिट है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट। अब प्रेशर भी आप दो हिसाब से मेजर करते हैं, अलग अलग रेफरेंस लाइन लेते हैं। एक जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज अ रेफरेंस लाइन लिया जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो ट्रीट किया जाता है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर मेजर किया जाता है या नीचे, ऊपर वाले को पॉजिटिव गॉज प्रेशर बोलते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव गॉज प्रेशर। या फिर अगर आप एब्सोल्यूट स्केल ले रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट स्केल ली गई है प्रेशर को मेजर करने की, तो अब मैनोमीटर तो समझ में आ गया। ओके, अब मैनोमीटर क्या होता है? एक यू शेप ट्यूब होती है, ठीक है। अब जब इसका ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। मेरा लेफ्ट साइड ये है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हम थोड़ा छोटा सा बेसिक देख लेते हैं, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हाथ है और ये राइट हाथ है। जब इसके दोनों हाथ यूट्यूब मैनोमीटर के काम पे लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि ये प्रेशर मेजर नहीं करता। ये दोनों, सपोज एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, तो इसका लेफ्ट लिंब मैंने यहां पर लगा दिया लेफ्ट हाथ, इसका राइट हाथ यहां पे लगा दिया, ठीक है। ये एक पाइप है, ये दूसरी पाइप है, दोनों में फ्लूइड जा रहा है अंडर प्रेशर, तो ये दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस बताएगा। सपोज यहां पर 24 किलो पास्कल है, कितना 24, और यहां पर जा रहा है सपोज 30 किलो पास्कल, ठीक है। इस जो पाइपलाइन है इसके अंदर जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है विद 30 किलो पास्कल प्रेशर, और इस ये जो पाइपलाइन है इसके अंदर जो दूसरा कोई फ्लूइड है इसके अंदर 24 किलो पास्कल मतलब प्रेशर से मूव कर रहा है, ठीक है। आई होप एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये जो YouTube मैनोमीटर है ये ना ही 24 बताएगा ना ही 30 बताएगा, ये डिफरेंस बताएगा। 30-24 इज व्हाट, 6 किलो पास्कल। तो जब ऐसा बताएगा तो उसी को कहा जाता है डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ना। अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट द टू पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। फिगर में बताया हुआ है, सपोज ये एक पाइपलाइन है, ठीक है। वैसे तो पाइपलाइन ऐसी होनी चाहिए, मगर मैं आपको ये जो आप देख रहे हो ना ये साइड व्यू है, ठीक है। मगर अगर मैं यहां से कट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसे कट कर देता हूं तो क्या एक सर्कल ही रिजेंबल होगा? देखे, ठीक है, आप जो देख रहे हैं ना वो ये देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं ये, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जिसमें मैंने शेड कर दिया। तो एक पाइपलाइन है, सपोज उसके अंदर एक पॉइंट है ए, एक दूसरी पाइपलाइन है जिसके अंदर पॉइंट है बी, मान लीजिए, ठीक है। ओके, तो अब देखिए इस ए पाइपलाइन में, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट द टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो बोल रहे हैं कि ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है, ये ए पॉइंट पे कनेक्टेड है इस पाइपलाइन में और ये बी पॉइंट पे कनेक्टेड है इस पाइपलाइन में, ठीक है। ओके, एट बी एयर प्रेशर इज 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्रेशर आपको, प्रेशर
दो हिसाब से, दो स्केल से मेजर किया जा सकता है। एक एब्सोल्यूट स्केल होती है और एक होती है जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज ए रेफरेंस लाइन यानी कि जीरो ले लिया जाता है। तो यहां पे एब्सोल्यूट स्केल यूज की जा रही है, ठीक है। ओके, तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर हमें नहीं मालूम है कितना है। बी पॉइंट पे देखिए, बी जो पॉइंट है ना उसके ऊपर अगर आप देखेंगे खाली जगह है, तो वहां पर एयर है और ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं ना ये लेवल, ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक। हो गया क्लियर? ओके, तो बी एट पॉइंट बी, एट बी एयर प्रेशर इज 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट। तो ये बोल रहा है कि पॉइंट बी पे जो प्रेशर है, वैसे तो अगर आप देखेंगे बी पॉइंट के ऊपर एयर है और एयर का जो प्रेशर बताया हुआ है बी पॉइंट पे, दैट इज कितना दिया हुआ है, दिस इज 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी एब्सोल्यूट स्केल पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अगर आप ज्यादा समझना चाहते हैं एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर, नेगेटिव गॉज प्रेशर, तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो यानी कि इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में दिए हैं और लिंक में दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ओके, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए। तो भाई ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है, तो ये हमें बोला गया है, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। अब डायग्राम देख लेते हैं। ए पॉइंट पे एक लिक्विड है जिसकी, लिक्विड कौन सा है, वो ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी हुई है, ठीक है। ओके, तो इस ए पॉइंट पे हमें प्रेशर डिफाइन करना है, प्रेशर बताना है कितना, इसलिए मैंने लिख दिया ये इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। ओके, अब आप ये जो ऑयल देख रहे हैं, देखिए ऑयल है ब्लू कलर से है, ठीक है। तो ये ऑयल कहां से कहां तक है, देखिए यहां से यहां तक है। अब आप देख रहे हैं यहां से यहां तक है, ठीक है। ओके, अब ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये मरकरी है। याद रखिएगा यूट्यूब मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है जिसका यूज करके प्रेशर मेजर किया जाता है या प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाता है या हेड डिफरेंस मेजर किया जाता है, वो मरकरी ही होता है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है या फिर बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, दिस इज 13.6। और आप देख रहे हैं यहां से ये जो एक्स एक्स लाइन है, यहां से ऊपर जो एक फ्लूइड इस पाइप इस मतलब यूट्यूब मैनोमीटर में है वो कौन सा है, ये वाटर है, यहां पे लिखा हुआ ये वाटर है और वाटर के ऊपर एयर है और एयर का ही प्रेशर बी पॉइंट पे दिया हुआ है, यानी कि जो बी पॉइंट है उसके ऊपर प्रेशर है और ये जो प्रेशर मेजर किया जा रहा है बी पॉइंट पे किसकी वजह से, आपके एयर की वजह से, ठीक है। तो ए पॉइंट पे बोला गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी, बुकों में ये थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बताया हुआ, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन कंसीडर करेंगे जिस साइड भी मरकरी का लेवल लोअर रहेगा। वैसे तो इस डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना है सिंपली कि मरकरी का लोअर लेवल किस साइड है, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए मरकरी है रेड कलर की, तो मरकरी का जो रेड कलर राइट साइड में कम है, तो जहां से वो खत्म हो जाता है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, रेफरेंस लाइन, दैट इज एक्स एक्सेस, एक्स एक्स लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहां से बताया हुआ है डायग्राम में कि एक्स एक्सेस मतलब ये जो लाइन है यहां से ऊपर जो पानी की हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, और इस एक्स एक्स लाइन के ऊपर जो मरकरी है वो 10 सेंटीमीटर के करीब है, यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर के करीब है मरकरी, और यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर आपका ये ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी हुई है, ठीक है। ये जो ए पॉइंट है ना इसी को लगकर अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस मेजर किया हुआ है। कई लोग ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे, ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। ए पॉइंट जहां पर है, ए पॉइंट से जब ए पॉइंट जहां पर है वहीं की सेंट्रल लाइन को लेते हुए हमने ये डिस्टेंस लिया, यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा इससे पहले हम सारी कैलकुलेशन मतलब ये सब वैल्यूज को, ये सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेशन में यूज करें, आपका लेंथ मीटर में ही होनी चाहिए, ठीक है। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब यहां पे गौर कीजिएगा, जहां पे आपने एक्स एक्स लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन बनाई है, मैंने बता दिया कैसे बनाना है, जहां पे मरकरी का लेवल जिस साइड लोअर रहेगा वहां से एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है, और उसी एक्स एक्सिस के ऊपर हमें काम करना है, नीचे काम नहीं करना है। एक्स एक्सिस पे जो प्रेशर होता है वो दोनों साइड सेम होता है, आपके YouTube मैनोमीटर के लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो प्रेशर होगा सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दैट लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे लिखता हूं द प्रेशर, प्रेशर एट लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा यहां पे गैप बना देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रेशर एट एट राइट हैंड साइड, ठीक है, एट एक्स एक्स लाइन, समझ रहे हैं, एक्स एक्स जो है ये जो लाइन है ये एक रेफरेंस लाइन है जहां पर प्रेशर सेम रहता है। तो यहां पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए प्रेशर कैसे लिखना है, जैसे एक फॉर्मूला आपको मालूम है, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, सपोज एक
क्या बोलते हैं, लिक्विड है एक कंटेनर में, ठीक है, अब उसकी कुछ हाइट है h, तो सपोज यहां का प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है p, तो ये कैसे निकालोगे, p इक्वल टू रो जी एच, ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। सिंपली आपको हाइट मालूम होनी चाहिए, जो भी फ्लूइड है उसके अंदर उसकी हाइट g 9.81 की वैल्यू है, और जो भी फ्लूइड यहां पे रहेगा उसी की डेंसिटी मालूम है, तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहां पे लिख देता हूं p इक्वल टू रो जी एच, क्लियर हो गया, ओके, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर ए पॉइंट पे क्या है, पी ए, क्या है पी ए, तो मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। ओके, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता था, ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इससे पहले कि हम ये जो वैल्यूज दिए इसे यूज करें, एक चीज यहां पर दी हुई है कि जो प्रेशर है बी पॉइंट पे एयर की वजह से, पीबी, बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट है, तो मैंने क्या बोला, ये ऐसा यूनिट में प्रेशर होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस पीबी पॉइंट पे जो प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मीन्स वन, तो यानी कि ये कुछ वैल्यू इस तरह से लिख रही है, देखिए यहां पे लिखता हूं 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, न्यूटन पर मीन्स वन, तो हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हमें लीनियर रिलेशन मालूम होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है, ये लीनियर रिलेशन है, यानी कि लेंथ में आपस में रिलेशन है, मगर ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, मगर ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मीन्स वन, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास, अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने का रिलेशन नहीं मालूम है, सिंपली ये रिलेशन सबको याद होगा, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ये लीनियर रिलेशन रिलेशन है, इसको क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग करने से आपको एरिया मिलेगा, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको वॉल्यूम का रिलेशन मिल जाएगा, तो स्क्वायर किया तो 100 पे ये स्क्वायर जाएगा, तो दैट विल बी वन, कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर किया तो 4 0 आ जाएंगे, और ये स्क्वायर यूनिट पे भी जाएगा तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर 1 पे जाएगा तो 1 होगा, ये स्क्वायर मीटर पे जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मीन्स 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो हमें रिलेशन मिल गया है कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे भाई, तो 1 मीटर स्क्वायर, ये यहां पर रखा, ये वाली वैल्यू नीचे रख ली, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके, ये वाली वैल्यू सामने आ गई, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होता है 1, हाँ एक मिनट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 डिवाइड बाय कितना है ये, 1 10 100 1000 10000, तो 1 डिवाइड बाय 10000 इज 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गई यूनिट, बचा कौन सी यूनिट, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो फिर मैं इसका मिटा देता हूं, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए तो पीबी इक्वल टू दिस इज 9.81 न्यूटन, ये क्या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मीन्स 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मगर ये 10⁻⁴ है, तो एक काम करूंगा इसे ऊपर ले लूंगा, ठीक है, तो दिस फोर दिस 9.81, तो ये 1 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता नीचे, ठीक है, नहीं भी कोई भी नंबर नहीं होता, 1 तो होता ही हर एक नंबर के नीचे, तो 10⁻⁴ को मैं ऊपर ले लूंगा, तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर ऑलरेडी न्यूटन था और नीचे मीटर स्क्वायर हो गया, तो आंसर इज दिस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो चीज है मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट प्रेशर जो पॉइंट, प्रेशर जो है बी पॉइंट पे एयर की वजह से, दैट इज 9.81 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नॉट स्क्वायर, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो अब ये हो गया है हमारा एसआई यूनिट में, अब हम इसे यूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चंस बहुत आसान है, ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे लिखा प्रेशर एट लेफ्ट हैंड साइड, एक्स एक्सिस पे प्रेशर सेम रहता है, तो मैंने वही लिखा है, यानी कि प्रेशर एट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू प्रेशर एट राइट हैंड साइड एट एक्स एक्सिस, अब देखिए इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही फिलहाल ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यूट्यूब मैनोमीटर का लेफ्ट जो लेफ्ट लिम्ब है वो ये है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे कि ए पॉइंट पे क्या प्रेशर है, फिलहाल हमें वही ढूंढना है, तो हमें नहीं मालूम है, तो यहां पे पीए लिख दिया प्लस, ओके, अब आप देखिए हाइट वाइज काम करना है, हॉरिजेंटली नहीं जाना, ठीक है, तो यहां से लेकर देखिए यहां का प्रेशर हमने मेजर कर लिया, ओके, यहां पर आ जाइए अभी, ओके, यहां से लेकर यहां तक ये ऑयल ही है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, क्या था, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, तो सिंपली
अगर आपको ये रो क्या है, ये डेंसिटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये हाइट है वो लिक्विड की, ठीक है, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। मगर यहां पर हमें डेंसिटी नहीं दी हुई है ऑयल की, तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो आपको फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज करना है। जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है वो यहां पर लिख दीजिए 0.9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसे 1000 कर दीजिए, क्योंकि 1000 है आपकी वाटर की डेंसिटी, हो गया। तो ये जो होता है ना, जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी का काम हमारा हो गया, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़िए, रो हो गया हमारा, ये रो ही है, ये क्या है, ये हमारा रो है, किसका, ऑयल का। ओके नेक्स्ट है जी की वैल्यू, जी इज 9.81, ओके हो गया क्लियर। ओके आगे क्या है, हाइट, हाइट क्या है, अब ये ऑयल है, ऑयल की हाइट क्या है, यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर है, मगर मैंने क्या बोला आपको, कैलकुलेशन में एसआई यूनिट ही यूज करनी है लंबाई की या हाइट की, तो दैट इज 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कीजिए, तो 20 डिवाइड बाय 100 इज 0.2, तो यहां पे लिख देता हूं 0.2, क्लियर हो गया। ओके चलिए क्लोज कर दीजिए। अब देखिए आगे कौन आता है, अब ऑयल क्रॉस हो गया, अब इसके बाद मरकरी आती है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर तक ही काम करना है, यहां से यहां तक मरकरी आ रही है, यहां से यहां तक मरकरी आ रही है। अब मरकरी की मैंने क्या बोला, फॉर्मूला यही लगने वाला, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, चलिए बीच में प्लस लगाइए। ओके रो, रो क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है, मगर डेंसिटी फिलहाल हमें डेंसिटी मरकरी की नहीं मालूम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, तो जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो यहां पे लिखिए, मल्टीप्लाई उसको 1000 कीजिए, तो ये हो गई हमारी स्पेसिफिक, यानी कि क्या हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो ये रो का काम कर गई। ओके देन इनटू रो से जी, जी क्या हमारा 9.81, क्लियर हो गया। ओके जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट क्या है, हाइट मरकरी की यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है, मगर मैंने बोला उसे मीटर में लेके आइए, यानी कि 10 डिवाइड बाय 100 इज योर, क्यों क्या कर रहा हूं, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 सेंटीमीटर को डिवाइड कीजिए 100 से, दैट विल बी 0.1, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यहां से चले थे, यानी कि पहले ऐसे गए हॉरिजॉन्टली, हमें कुछ कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम यहां पर थे, कहने का मतलब है यहां पर है, यहां से हम डायरेक्टली यहां पर आ गए, अब एक्स एक्सिस आ गई है हमारी, यानी कि रेफरेंस लाइन, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड। अब इक्वल टू, बीच में इक्वल टू है, यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। अब प्रेशर एट राइट हैंड साइड, तो प्रेशर एट राइट हैंड साइड क्या है, यहां पर इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे पीबी, पीबी दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, हमने कन्वर्ट कर दी थी अभी वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। ओके एक चीज मैंने यहां पे लिखी नहीं, ये भी एब्सोल्यूट ही होगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट स्केल में जो रेफरेंस लाइन होती है, यानी कि रेफरेंस वो प्रेशर होता है, वो जीरो मान लिया जाता है, मतलब अगर हमारे हवा अर्थ में से पूरी हवा निकाल ली जाए तो वो जो प्रेशर मेजर होगा दैट विल बी एट द एब्सोल्यूट स्केल, और वो होगा जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ओके मगर ये जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर अचीव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो पीबी हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ये पानी है, वाटर है। ओके तो फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल टू रो जी एच, तो अब आपको मालूम है पानी की डेंसिटी तो हमें खुद मालूम ही रहता है क्या होती है, 1000, तो यहां पर हमें क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करने की जरूरत नहीं है पानी की, 1000 लिख लिया, ये डेंसिटी है, मल्टीप्लाई बाय आगे क्या फॉर्मूले में जी, जी इज 9.81। ओके एच, एच क्या है, यहां से लेकर यहां तक पानी की हाइट, देखिए हमें कहां तक काम करना था, अब हम राइट लिम्ब में है, अब हम इसका ये लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है, इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड है, तो यहां से यहां तक तो पानी है फिलहाल, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में दो आपको लिक्विड दिख रहे थे, एक तो ऑयल यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक मरकरी, मगर यहां से लेकर यहां तक तो आपका पानी है, और इस पानी की हाइट क्या है, 60 सेंटीमीटर, तो इसे डिवाइड बाय 100 कीजिए मीटर को बनाने के लिए, मतलब मीटर में बनाने के लिए, तो दैट इज 0.6, तो हमारी कैलकुलेशन लगभग रेडी हो गई है। देयरफॉर पी, अब इसे सॉल्व करते हैं, अगर इसको दिस इज कमिंग आउट टू बी, हाँ, अगर मैं पूरे को सॉल्व करता हूं, इसको ये पूरा इसको, ठीक है, ये इसको, तो ये दिस इज कमिंग आउट टू बी, सॉरी दिस इज प्लस, दिस इज 15107.4, क्लियर हो गया। ओके अगर आप इसे मतलब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक यूनिट भी निकालेंगे, तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगी, ठीक है, इक्वल टू पीबी, पीबी की वैल्यू दी हुई है कितनी है, अभी हमने ये वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया था, दिस इज 9.81 इंटू 10^4, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट में इसकी यूनिट है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी प्लस 5886, ओके तो हमें क्या चाहिए, दिस इज पी ए, सो देयरफॉर 9.81 इंटू 10^4 प्लस 5886,
इस वैल्यू को हम यहां डाल देंगे 15107.4, ठीक है। देयरफॉर पीए कैन बी रिटन एज 88 78.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, दिस इज योर आंसर। अगर आप न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहते हैं, और ये एब्सोल्यूट में होगा, ठीक है, क्योंकि जो रेफरेंसेस हमारे को मिले हैं, हमें मिले हैं, वो एब्सोल्यूट प्रेशर के हिसाब से ही है, ठीक है। तो अगर आप इसे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि हमने निकाला था एक रिलेशन, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे आप, ओके, तो इतना 88 78.6 न्यूटन लिखा हुआ है, और मैं 1 मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कुछ इतना दिखेगा, 8.88786 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं, प्लीज डू राइट कमेंट में, पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।